हरे कृष्णा। तो अभी हम एक फास्ट बीट का अलंकार सीखेंगे। जैसे कि स्लो बीट में हमने तिहाई सीखी, फास्ट बीट में अलंकार क्या होगा? बहुत ही आसान है, जल्दी से। जो हम 1 2 3 बजाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें जो 1 2 3 1 2 3 चल रहा है, उसमें एक बार 3 को भी लंबा ले लेना है। जैसे कि हम तिहाई बजाते हैं, देखिए कैसे बजाना है। 6 तक जाने देना है और 7 पे कंबाइन कर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो 3 पे आप क्लोज करते हैं, वो 2 साइकिल होने के बाद, 1 2 3 1 2 3 होने के बाद, 3 को भी नीचे बजा के 7 पे उसको क्लोज करना है, 3 पे क्लोज करने की बजाय। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कैसे यूज होगा कीर्तन में, फास्ट बीट के साथ मिक्स करके बता रहा हूँ। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ये ज़रूरी नहीं, आप कीर्तन में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलंकार ऐसा है जो स्लो बीट का तिहाई है, वो जनरली एंड्स में ही अच्छा लगता है, लेकिन ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। देखा आपने, बहुत बार यूज़ किया मैंने। रामा, हरे रामा, अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रामा रामा, और एंड में हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। और इसको डबल भी कर सकते हैं, मैंने कंटिन्यूसली इसको बजाना। रामा रामा, हरे हरे, ऐसे कंटिन्यूसली बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक कर्ता लर्निंग का सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा।